हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपकी अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो से ज्योग्राफी मेजर टू वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो सके। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कल, मतलब कि नेक्स्ट 5 चैप्टर तक हो गया था, ठीक है। और आज जो पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, भू आकृति, प्रक्रिया, अपक्षय, पर्दन, निक्षेपण और आच्छादन के बारे में, और इसके साथ ही और भी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले अपक्षय क्या होता है या फिर अपक्षरण। तो ये वेदरिंग कहते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स। ये अपक्षय होता है कोई भी चीज़ जैसे कि वहीं पर है, ठीक है। जैसे कि पत्थर हो गया, मतलब बहुत साल पहले पत्थर, अगर कि कोई अगर पत्थर मतलब चार कोना वाला था, ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो चार कौन उसके अंदर नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके टूटेंगे फूटेंगे, वहीं पर बहुत सारा का होगा, बाद में पता चलेगा इतना सा रह गया, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अपक्षय। मौसम की विभिन्न अत्यधि क्रियाओं द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने कोष को अपक्षय या क्षरण कहते हैं। इसे मौसमीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया में चट्टानों का विघटन, डिस्टिग्रेशन तथा अपघटन, डिकम्पोजिशन की क्रिया सम्मिलित है। विघटन है, ये चट्टाने बलकृत शक्तियों द्वारा चटक कर टूट फूट जाती है। बहुत सारे होते हैं उसमें, देखते होंगे आप लोग, बड़ा बड़ा चट्टान बीच में टूटा हुआ है, दरार फटा हुआ, दरार लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो किस कारण से होता है? धूप लगता है, फिर बरसात होता है, फिर पाला वगैरह पड़ता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, उसके साथ वो चटक जाता है, ठीक है, तो उसके कारण वो टूट फूट हो जाता है, उसी को कहते हैं अपक्षय। और क्या अपघटन में रासायनिक क्रिया द्वारा चूर्ण बन जाती है। विघटन अथवा अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। आप स्पार्क्स महोदय के शब्दों में, प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है उसे अपक्षय कहते हैं। तो ये मतलब कि स्पार्क्स महोदय के शब्दों में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रकार स्टूडेंट्स, अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अपक्षय मुख्यतः मौसम के तत्वों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्य भी निरंतर चट्टानों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो अपक्षय तीन प्रकार का होता है। तो तीन प्रकार का होता है जैसे भौतिक या यांत्रिक हो गया, रासायनिक अपक्षय हो गया, जैविक अपक्षय हो गया। तो ये तीनों के बारे में मतलब कि भौतिक या यांत्रिक हो गया, ये कैसे होता है? तो ये भौतिक से पाला वगैरह पड़ा, ठीक है, तो वो सब के कारण से। फिर मतलब कि हो गया किसी मशीन वगैरह के कारण से, डायनामीटर कहीं लगा दिया गया, तो उसके आसपास के सारे पत्थर तो टूटेंगे ही। बाकी सेंस धूप वगैरह, गर्मी वगैरह हुआ तो उसके कारण भी ये टूट फूट हुआ, उसी को कहते हैं भौतिक या यांत्रिक। अब देखिए रासायनिक अपक्षय क्या होता है, एक केमिकल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि वर्षा हुई और उसके साथ ही मतलब वर्षा जब होता है तो उसमें अम्ल की भी मात्रा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो वायु से होकर नीचे की ओर आती है, तब बहुत सारे हम गैसों से मिल जाती है, जिसके कारण वो अम्ल मतलब अम्ल हो जाता है उसके अंदर में, ठीक है। तो जो गिरता है और पाला पड़ता है, फिर धूप होता है, फिर पाला पड़ता है, फिर धूप होता है ठंडे दिनों में, ठीक है, और धूप भी लगता है, पाला भी पड़ता है और बरसात भी होता है। तो इन प्रक्रियाओं से क्या होता है, संकुचित हो जाता है, फिर फूल जाता है, फिर संकुचित हो जाता है, फिर फूल जाता है, लास्ट में चटकन आ जाती है, ठीक है, और वहीं पर वो मतलब कि टूट जाता है पत्थर वगैरह। जैविक अपक्षय जैसे कि किसी चट्टान के बगल में ही एक पेड़ है, ठीक है, और हवा चल रहा है बहुत ज़ोर से, तो हवा जब ज़ोर से चलेगा तो पेड़ भी हिलेगा, और जब हिलेगा तो अपने जड़ों से, अपने टहनियों से उस पत्थर पर रगड़न होगा, ठीक है, रगड़ेगा, तो रगड़ेगा तो उससे बहुत सारा मतलब कि टूट जाएगा चट्टान वगैरह। अब देखिए अपर्दन किसको कहते हैं। अपर्दन से आप लोग देखते होंगे, जब वर्षा होती है तो बहुत सारे नालियों से पानी बहने लगता है, और बहने लगता है उसके साथ ही मतलब कि बहुत सारा मतलब कि काट देता है, मिट्टी को काट छांट कर ले जाता है बहुत दूर तक। आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि कहीं छोटा सा नाला बन गया अपने से, तो धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा नदी का रूप ले लेता है, ठीक है, गड्ढा करने लगता है धीरे धीरे करके, तो मतलब उसी को अपर्दन कहते हैं, ठीक है। जब नदी अपने किनारों और तलहटी को काटती छांटती, ये भी है कि नदी जब बहती है तो मतलब कभी छोटी नदी थी तो काटते छांटते उसके मतलब दोनों तरफ से काटते छांटते वो और बड़ा कर देती है। अपने जब नदी अपने किनारों और तलहटी को काटती छांटती तो कुदरती या खुरचती है, तो इसे नदी का अपर्दन कार्य कहा जाता है। अब देखिए परिवहन ट्रांसपोर्टेशन क्या है। अपर्दन द्वारा उत्पन्न शैल चूर्ण का नदी अपने जल प्रवाह की दिशा में बहा कर ले जाती है, इसे अपर्दन कहते हैं। तो बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा चट्टान वगैरह को जो है सो बहा कर ले जाता है नदी,
अपने साथ बहुत सारा चीज़ बहा के ले जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारा लोग बहुत सारा चीज़ फेंक भी तो देता है, आदमी भी अगर मतलब किसी तरह गिर गया फिसल के तो उसको भी बहा के ले जाता है, पेड़ पौधे भी ले जाता है, मवेशियों को भी ले जाता है। आप लोग देख रहे होंगे जब बाढ़ आता है तो उस समय कितने सारे लोगों की जानें चल जाती हैं, ठीक है, और घर वगैरह सारा लोग बहा सारा बहा के ले जाता है, तो उसी को परिवहन कहते हैं। अब देखते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन, बहा कर लाए गए पदार्थ तलछट को नदी किसी निम्न प्रदेश में जमा कर देती है, इसे निक्षेपण क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि देखिए मिट्टी बहा कर ला रही है तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, और जहाँ रुकेगी वहाँ देख रहे होंगे हम लोग मतलब बालू जैसा हो जाता है पुराना, सफ़ेद टाइप का या फिर अलग ही टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कहीं दूसरे जगह से बहा कर लाया मिट्टी को अपने साथ में पानी और कहीं ले जाकर उसको छोड़ दिया तो उसी को कहते हैं निक्षेपण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं भू आकृतियाँ, नदी, वायव्य, हिम नदी, काष्ठ और समुद्री। तो भू आकृतियाँ होती क्या हैं, कहीं आप लोग देख रहे होंगे पहाड़ चट्टान, कहीं गुंबदाकार, कहीं कंदरा, कहीं युवाला वगैरह अलग अलग तरह का, यू आकार का घाटी, भी आकार का घाटी हो गया, फिर गोर्ज हो गया, फिर मतलब कि बहुत सारे नदी विसर्पण हो गया, गोखुर झील हो गया, बहुत सारा हो जाता है बन जाता है। मतलब कि कभी कभी तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि नदी को देख रहे होंगे सीधा नहीं बहता, कभी टेढ़ा जाता है सांप की तरह, कहीं कहीं इधर से बह रहा था अब इधर से बह रहा, तो यहाँ जो छोड़ दिया उसको गोखुर झील कह देते हैं। तो इतने सारे मतलब कि नदी, ये नदी के तहत है, ठीक है। वायु के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा कैसे होता है भू आकृति, जैसे कि रेगिस्तानी एरिया में चट्टान इस तरह से था मतलब, और हवा चल रहा है इतना जोर से चल रहा है, इतना जोर से चल रहा है, इसके जो ज़मीन में है इस तरह से कर दिया, ठीक है, छत्रशिला जैसा, मतलब कि पूरा हवा मार मार के उसको। हिम नदी, हिम नदी में क्या होता है फ्रेंड्स, ये बर्फीले जगहों में होता है, ठीक है, तो इसमें बहुत तरह का चीज़ बन जाता है, जैसे कि बर्फ फिसलते फिसलते इसको मतलब खुदरा खुदरी कर देता है, इस तरह से खुरचता है, इसके कारण बहुत तरह की आकृतियाँ बन जाती है। काष्ठ यानी कि चूना प्रदेशों में, चूना प्रदेशों में भी जैसे कि हो गया कहीं से अगर मतलब कि पानी आया उसके अंदर गड्ढा में चल गया तो, और वहाँ कंदरा वगैरह क्या क्या बना देता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे लेपिज घोर रंध विले रंध हो गया, जैसे कंदरा स्तंभ अभी बताए हम, तो वो हो गया। अब देखिए समुद्री, समुद्र वाल समुद्र में भी बहुत तरह का बन जाता है, समुद्र में पानी बह बह कर बार 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 यानी कि उसका जो तरंग होता है वो बार बार आकर अपने हिलकोरे से मतलब हिलकोर कर एकदम पूरा जोर से एकदम आता है एकदम तेज गति से और जाकर धक्का मारता है, तो वहाँ आसपास की जो ज़मीन रहता है धीरे धीरे करके वो मिल जाता है पानी में, मतलब धीरे धीरे करके उसको तोड़ता फोड़ता रहता है, तो वो भी एक तरह का बना देता है, ठीक है। अब देखते हैं से इसमें मेन चीज़ हम बता दे रहे हैं आप लोग को, जैसे नदियों से क्या क्या बनता है, तो गोर्ज बन जाता है, कैनियन बन जाता है, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्र दिखाएँ, जलज गर्तिका, जलोढ़ पंख, गोखुर झील, गुम्फित नदी, बाढ़ का मैदान और डेल्टा, ये सारा चीज़ किसे बनता है, नदियों के द्वारा, ठीक है। और वायु के द्वारा क्या क्या बनता है, वात गर्त, छत्र या गारा, ज्यूचन, यारडांग, पाषाण चालक, इंसेलबर्ग, ड्रिकांटर, भूस्तंभ, बालू का स्तूप, बरखान, लोयस, ये सारा चीज़ किसे बनता है, वायु के अपरदन से। हिम नदी है देखते हैं, हिम विदर, हिमदर अथवा ब्रंगश्रुंड, हिम गहवर, टॉर्न, श्रृंगफॉल, श्रृंग कॉल, कंघीनुमा, कटक, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, भेड़ शिला, श्रृंग एवं पूंछ, हिमज झील, हिमो, ड्रमलिन, केतली, एस्का अथवा हिमनद, कटक, केम, अपक्षय मैदान, ये सारा किसे बनता है, हिम नदी से। हिम नदी मतलब हिम मतलब क्या हो गया, बर्फीले जगहों में ये सारा पाया जाता है, इस तरह का मतलब कि भू आकृति बन जाता है। काष्ठ प्रदेशों में लेपिज, घोल रंध, विले रंध, अंधी घाटी, डोलाइन, युवाला, पोनो, गुफाएँ तथा कंदराएँ, प्राकृतिक स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, कंदरा स्तंभ, ये सारी चीज़ बनता है किसमें, तो चूना प्रदेशों में। अब देखिए समुद्री तरंगों से क्या क्या मतलब, समुद्री भृगु, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, समुद्री गुफाएँ, समुद्री मेहराब, स्टेक, वायु छिद्र, पुलिन, रेत, टिब्बे, भूजीवा, रोधिका, लेगुन या हैव, तो ये सारा चीज़ बनता है समुद्रों से, ठीक है। अब देखते हैं आठवां चैप्टर वायुमंडल की संरचना, जिस प्रकार से चीज़ की एक 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 संरचना होती है उसी प्रकार से वायुमंडल की भी एक संरचना है, जैसे क्षोभ मंडल हो गया और उसके बाद समताप मंडल हो गया, तो इस तरह से मतलब बहुत सारे मंडल हैं, बहुत सारे नहीं कह सकते हैं, कुछ ही मंडल हैं, लेकिन जो है मंडल उसके बारे में जानना हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही हम लोग को लिखना है, ठीक है। पृथ्वी के तल से लेकर अपनी उच्चतम सीमा तक वायुमंडल संकेंद्रीय परतों कॉन्सेंट्रेट लेयर्स के रूप में विस्तृत, जो अपने घनत्व, तापमान तथा गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे से। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स,
पृथ्वी की तल से लेकर अपनी उच्चतम सीमा तक वायुमंडल संकेंद्रीय परतों को कॉन्सेंट्रेटेड लेयर्स कहते हैं और अपने घनत्व तापमान तथा गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे सर्वथा भिन्न होता है। कि एक मंडल जो जैसे कि क्षोभ मंडल, तो इसमें हवा का गति कुछ है, तापमान कुछ है, घनत्व कुछ है और चीज़ों की संगठन अलग अलग है, ठीक है। उसी प्रकार से समताप मंडल में कुछ अलग है, उसी प्रकार से वायुमंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, मतलब वायुमंडल बाद में होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से होगा इसमें उसी तरह से लिखे हैं। बाकी जो है मतलब अलग अलग घनत्व, अलग अलग तापमान, अलग अलग गैसीय संगठन की दृष्टि से एक दूसरे को बांटा गया और अलग अलग परतों में विभाजित किया गया। तो पहले देखते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर या वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई मध्य मंडल, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख सके बढ़िया से, ठीक है। निचली परत है ये, इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई मध्य मंडल है। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य परत में ऊंचा रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर चलने की ऊंचाई पर वाले संवहन धाराएं हैं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है, ठीक है। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसे क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है सो शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इधर जो है सो थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर तक पाया जाता है इसका परत, इसीलिए, ठीक है। और इधर जो है सो थोड़ा कम पाया जाता है, कॉन्वेक्शन जोन भी कहते हैं इसको। इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, जिसे तापमान की सामान्य हरदर नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मानव के लिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे सभी परतों में अधिक महत्वपूर्ण। अंग्रेजी भाषा का ट्रोपोस्फेयर शब्दों से ट्रोप तथा स्फेयर से बना है, जिसमें ट्रोपो का अर्थ परिवर्तनशील है। मौसम तथा जलवायु संबंधी सभी परिवर्तन इसी परत में होते हैं। ऋतु तथा मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डालती है इसी परत में होती है। इस परत में धूल कण तथा जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे बादल बनते हैं, वर्षा होती है तथा अन्य जलवायु एवं मौसम जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है सारा ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में होता है। अब देखिए, क्षोभ सीमा किसको कहते हैं, ट्रोपो पाउच। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह बहुत पतली एवं अस्थायी परत है। इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है। इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। क्षोभ मंडल की हवाएं तथा संबंधित धाराएं भी चलना बंद कर देती हैं। इस सीमा पर वायु का तापमान भूमध्य रेखा पर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों पर 45 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग को पता है, वर्षा ध्रुवों पर ठंडा ज़्यादा रहता है, ठीक है, ध्रुवों पर ठंडा ज़्यादा रहता है और इधर जो है सो भूमध्य सागर में सबसे ज़्यादा गर्मी रहता है। यह परत निचली बहुत क्षोभ मंडल तथा ऊपरी समताप मंडल के ऊपर 80 की अलग करती है और इसमें दोनों ही परतों के गुण विद्यमान है। तो ये क्षोभ सीमा जो है सो अलग करता है, जैसे कि बीच में कोई लाइन नहीं दे दिया जाता। जैसे कि अगर हम लोग बोलें, अगर एक रोड है, ठीक है, उसमें सफ़ेद रंग का दिया जाता है, बीच में लाइन पार दिया जाता है, तो उसी तरह से क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक लाइन पार दिया गया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ आप लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है, सही से यहाँ नहीं दिख रहा है, नोट्स में दिख रहा है, ठीक है, नोट्स में जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हम लोग का क्षोभ सीमा हो गया। एरोप्लेन इसके नीचे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसके नीचे ही बादल है, इसके ऊपर बादल नहीं देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप लोग को आकाश भी नीला नहीं दिखेगा, काला ही दिखेगा, ठीक है। और जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती इतने ही में होती है, इसके ऊपर में नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं समताप मंडल, जैसे कि क्षोभ सीमा देख लिए, तो अब देखते हैं समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। यह परत 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत, जैसे कि वो 18 किलोमीटर तक था, अब 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होती है। इसका जो है ध्रुवों पर अधिक मोटाई और भूमध्य रेखा पर कम है। कभी कभी यह परत भूमध्य रेखा पर सर्वथा लुप्त हो जाती है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पृथ्वी पर वह तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। इसमें जो है सो ज़्यादा तापमान में प्रभाव, मतलब कि कुछ अलग नहीं देखने को मिलता है, समान ताप रहता है हर जगह, ठीक है, इसीलिए समताप मंडल इसको कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इसका कारण यहाँ पर उपस्थित ओजोन गैस है, एयर जो सूर्य के ऊपर अग्नि किरणों का अवशोषण करती है, ठीक है। इस परत विकिरण की समरीय धाराएं, आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क, अद्भुत प्रफुल्ल धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता। यहाँ वायु क्षितिज पास लाल दिशा में चलती है, ठीक है। तो आप लोग को समताप मंडल के बारे में बात हो गया। समताप मंडल की वायु सीमा को समताप सीमा कहते हैं। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को, लाइन को क्या कहते हैं, समताप सीमा।
स्ट्रेटो पाउच कहते हैं। इसमें ओजोन की मात्रा अधिकतम होती है, जो समताप सीमा होती है उसमें ओजोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये है तथा कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं। यहाँ बादल भी दिखाई देते हैं थोड़ा सा मोतियों जैसा। अब देखते हैं मध्यमंडल के बारे में। मेसोस्फेयर समताप सीमा के ऊपर में है। मध्यमंडल इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 से 80, ठीक है। इस ध्रुव परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मध्यमंडल सीमा मिसो पाउच कहते हैं। इसके ऊपर की सीमा को क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। अब देखिए इसके ऊपर मध्यमंडल के ऊपर यानी कि मध्य सीमा के बाद में आयन मंडल जेनोस्फीयर। मध्यमंडल आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फीयर, ठीक है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, जोनोस्फीयर आयनोस्फीयर होगा, ठीक है। मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत आवेशित इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं, अतः इस परत का नाम आयन मंडल रखा गया। आयन यहाँ क्या होता है जानते हैं हम लोग, जो टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो यहाँ जो है सो आयन रहते हैं, ठीक है। इसी आयन्स के कारण रिफ्लेक्शन होता है और हम लोग उस चला पाते हैं, मोबाइल देख पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, मतलब उसी के कारण, ठीक है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इसी पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। रेडियो इसी कारण से हम लोग को सहायता मिलता है। आयन मंडल की वायु में विचित्र चमक होती है जिसे वायुदीप्ति एयर ग्लो कहते हैं। सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा संपन्न विकिरण की क्रिया से आयन मंडल में विद्यमान आयन उत्तेजित होकर अद्भुत प्रकाश से चमकने लगते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के पास लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है जिसे ध्रुवीय ज्योति अरोरा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास क्या दिखाई देता है? लाल रंग का, उसको अरोरा कहते हैं। इस प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुवीय ज्योति अरोरा बोरेलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब वायुमंडल का बात करते हैं। एक्सोस्फीयर आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत वायु बहुत ही विराल है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष विलीन हो जाती है। वायुमंडल के बाद क्या होता है? एक्सोस्फीयर के बाद विलीन हो जाता है, मतलब कि, ठीक है। विलीन हो जाना मतलब क्या हो गया? मतलब ख़त्म हो जाना वायुमंडल का, ठीक है। तो फ्रेंड्स दो चैप्टर और बचा है तो इसको भी इसमें क्लियर हम कर ही देते हैं, आप लोग को बाद में दिक्कत ना हो। देख लेते हैं कितना बजा, ठीक है। सूर्याताप उष्मा बजट पवन का सामान्य विद्युत परिसंचरण। लेकिन फ्रेंड्स हमको थोड़ा काम है तो थोड़ा तो ये दो चैप्टर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो फ्रेंड्स जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग और दो वीडियोज देख पाएँ और भी बहुत सारे कुछ। और नोट्स इसका चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ठीक है, मेजर वाले ग्रुप में 299 वाले में। तो फ्रेंड्स सारा आप लोग को नोट्स वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। IRC छोड़ के सारा कुछ IRC भी चाहते 399 में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जरूर से उसमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।